हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टू बॉक्स ऑफिस। बात करने वाले हैं मलयाली इस मूवी का 12 डेज सर्चिंग लेकर, बात करेंगे राम इस मूवी का 11 डेज सर्चिंग लेकर। आप बता दो, अरिंदम रॉय सर का राम का बजट कम है, मूवी रिकवर कर चुका है। मलयाली का बजट ज़्यादा है, लेकिन मूवी का जैसे रिव्यू प्लस कलेक्शन है, मूवी डे बाई डे रिकवर कर रहा है और मूवी डे बाई डे और भी रिकवर कर पाएगा। बात करेंगे इन दोनों कलेक्शन को लेकर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, और अगर चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना टू बॉक्स ऑफिस चैनल का। आप लोग जानते हैं ट्रू बॉक्स ऑफिस चैनल हमेशा से ट्राई करते हैं डे बाई डे अपडेट देने के लिए, सारे मूवीज का लेटेस्ट अपडेट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सबसे पहले आप लोग के पास पहुंचाने के लिए। पर बात करें मलयाली को लेकर, इसमें का बजट है 6 करोड़ रुपीस। लीड रोल में है मॉन्टी सरेसपन, 12 डेज कंप्लीट का है। मलयाली पूरी तरह से एक मेगा ब्लॉकबस्टर हो सकता है। मूवी का रिव्यू बहुत ही अच्छा है, जिसके वजह से हमें लगता है मलयाली लाइफ टाइम में कम से कम 10 और 15 करोड़ प्लस बिजनेस कर पाएगा। अपने 12 डेज में ऑल इंडिया ग्रॉस क्या है 20 लैक्स, टोटल सर ग्रॉस 234 लैक्स। आपने अभी तक मलयाली नहीं देखा, देख लेना मॉन्टी सर का मलयाली कैसा लगा, मूवी लाइफ टाइम में कितना पैसा कमाएगा, क्या 10-12 करोड़ प्लस बिजनेस कर पाएगा, कौन बता सकते हैं। अब बात करें राम को लेकर, इसमें का बजट है 2 करोड़ रुपीज़। लीड रोल में है अरिंदम रॉय सर, सब 11 डेज कंप्लीट का है। राम पूरी तरह से क्लीन हिट प्लस एक मेगा ब्लॉकबस्टर होने का पॉसिबिलिटी रखता है। एक्शन हीरो वाली ये फिल्म, जो फिल्म को दर्शक फैमिली जन पसंद किया, ये फिल्म आया मूवी ओडिया से अच्छी कलेक्शन किया। उड़ीसा के दर्शक इस मूवी को सपोर्ट भी करेंगे। आप लोग जानते हैं ऐसे एक्शन फिल्म उड़ीसा में बहुत ही कम बनते हैं, जिसके वजह से भी इस मूवी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है। अपनी 11 डेज में ग्रॉसेशन क्या है 12 लैक्स, टोटल से ग्रॉसेशन है 1 करोड़ 71 लैक्स। आप अभी तक राम नहीं देखा, देख लेना अरिंदम रॉय सर का राम कैसा लगा, मूवी लाइफ टाइम में क्या 10 करोड़ प्लस बिजनेस कर पाएगा या उससे पहले वॉश आउट हो जाएगा, ये भी कौन बता सकता है। राम और मलयाली दोनों इसमें सबसे बेस्ट फिल्म कौन सा है, ये भी कौन को बता दीजिए। धन्यवाद।